सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं नवी करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका टेक न्यूज़ के एपिसोड 95 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे स्टूडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें पहले अपडेट की, जिसमें मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मोटोरोला ना ऐसा काम कर रहा है अपने 5G के डिवाइसेस के लिए भी काम कर रहा है मोटोरोला, ऐसा बताया जा रहा है। और उसमें बताया जा रहा है कि मोटोरोला ना बहुत जल्द 2 स्मार्टफोन लेकर आएगा 5G के, और बताया जा रहा है कि उसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट और साथ में वाटरफॉल डिस्प्ले भी होगा। ऐसे 2 स्मार्टफोन लेकर आ रहा है मोटोरोला, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों ये कब तक निकल कर आते हैं। 90Hz का वाटरफॉल डिस्प्ले है और 5G है, कमाल के स्मार्टफोन होंगे और इनके प्राइस क्या होते हैं देखेंगे। स्मार्टफोन है ना अभी ऐसा चला है दौर, स्मार्टफोन अभी प्राइस के हिसाब से कमाल के होते हैं, प्राइस और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अगर स्पेसिंग अच्छे देकर प्राइस कम रखा ना तो अभी वही मार्केट में चलता है। तो देखेंगे ये मोटोरोला क्या करता है और आपको मोटोरोला के स्मार्टफोन कैसे लगते हैं नीचे कमेंट में बता ही देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली इंडिया में आज सैमसंग गैलेक्सी A50s का प्राइस ड्रॉप हुआ है। पहले तो 20,000 रुपीज़ हुआ करता था, अभी 17,500 रुपीज़ इसका हो चुका है। दोस्तों 2,500 रुपीज़ का इसका प्राइस कट हुआ है इंडिया में सैमसंग के A50s का। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ 17,500 रुपीज़ का इसका प्राइस चल रहा है सैमसंग के A50s का। तो अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, जिसमें लावा की तरफ से खबर आ रही है। तो तुम फाइनली इंडिया में आज लावा अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है। वो है लावा Z53। 8 MP का रियर कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है और 1GB रैम है, 16GB स्टोरेज है, 6.1 inches का स्क्रीन है और एंड्रॉयड 9.5 पर चलता है और 4100mAh की बैटरी है और 4,800 रुपीज़ का इसका प्राइस है। वैसे आपको लावा के स्मार्टफोन कैसे लगते हैं? 4,800 रुपीज़ का स्मार्टफोन है, मतलब इसके प्राइस इसके अच्छे नहीं, इसके प्राइस के हिसाब से। और 2,000 डालेंगे तो रियलमी C3 आएगा, उसमें 3GB 32GB स्टोरेज है, 6.5 inches की स्क्रीन है, 5000mAh की बैटरी है। आगे बताऊँगा इसी वीडियो में उसके भी स्पेशल। और फाइनली वो तो आज लॉन्च हो चुका है रियलमी C3, खैर वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर लावा का Z53 इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि Redmi 9A इसी महीने लॉन्च हो जाएगा, 11 फरवरी को ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ये Redmi 9A देश का दमदार स्मार्टफोन, ऐसा बताया जा रहा है, इसका ऐसा टाइटल दिया गया है इस Redmi 9A को। और उसमें बताया जा रहा है कि ये 5000mAh की बैटरी के साथ आएगा और देखेंगे इसकी बाकी क्या स्पेसिंग होते हैं और इसका प्राइस कितना होता है देखेंगे। वैसे आप एक्साइटेड हैं रेडमी के 9 सीरीज में आने वाला 9A के लिए, टाइप करके बता ही दो। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली आज रियलमी C3 इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है। ये कमाल तो इसके प्राइस को लेकर होता है, अगर इतना भारी इसका प्राइस नहीं था तो ये स्मार्टफोन कमाल का होता ही नहीं। 2 वेरिएंट साइज में इसमें 3GB 32GB और 4GB 64GB, एक है दोस्तों 7,000 रुपीज़, एक है 8,000 रुपीज़, मतलब 3GB 32GB वाला 7,000 रुपीज़ और 4GB 64GB वाला 8,000 रुपीज़, मतलब इतने लो प्राइस में इतना भारी स्पेशल दे रहा है। और मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर, 5000mAh की बैटरी है, 6.5 inches की फुल HD प्लस एक स्क्रीन है और फाइनली ये 14 फरवरी को फ्लिपकार्ट पर सेल पर जाएगा। आज तो ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आपको कैसा लगा दोस्तों ये रियलमी C3 को लेके, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताई देना। वैसे दोस्तों रियलमी की तरफ से एक और खबर आ रही है। दोस्तों रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो सिंगापुर के IMDA सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि रियलमी 6 सीरीज की है ना इसी महीने के एंड तक हमको लॉन्च डेट की खबर मिलेगी। देखेंगे आखिर इसकी लॉन्च डेट खबर कितनी होती है, मतलब लॉन्च डेट इसकी क्या होती है और इसके बाकी के स्पेशल क्या होते हैं। फाइनली आज IMDA सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुए हैं सिंगापुर के रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो। वैसे आप एक्साइटेड हैं 6 प्रो के लिए नीचे कमेंट में बता ही देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इन्फिनिक्स X5 प्रो ये आने वाला अपकमिंग स्मार्टफोन है, वो तो आप जानते ही हैं। और उसमें इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं, ये भी आप जानते ही हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि इसका प्राइस है ना 10,000 से भी कम होगा। यहाँ पर कमाल की बात हो सकती है दोस्तों इन्फिनिक्स X5 प्रो में, एक तो पॉपअप कैमरा है और ऊपर से 10,000 से भी इसका प्राइस कम होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी बात होने वाली है। ये पहला स्मार्टफोन है, दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको पॉपअप कैमरा तो मिल रहा है लेकिन 10,000 से भी नीचे इसका प्राइस मिल रहा है। तो देखेंगे दोस्तों ये 18 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में
वैसे बाकी के स्पेशल क्या होते हैं और इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना होता है देखेंगे। 10,000 के नीचे मतलब इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना होता है देखेंगे। वैसे आप इसके लिए भी एक्साइट हैं क्या, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता ही देना। तो आज की टेक्निक यहीं पर खत्म होती है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।